गाइस, दिस इज अब्दुल ज़ाकिर, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? तो लास्ट वीडियो में हमने इस स्विच को किया था क्लीन, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। तो अभी ये हमारे पास टी है, इस टी को हम इंस्टॉल करने वाले हैं बाइक के अंदर। तो इस टी को रिप्लेस करने का रीज़न ये है कि मेरा जो टी है उसके अंदर एक बोल्ट टूट गया है, तो वो निकल नहीं सकता कोई भी रीज़न से। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, उसके बाद इस टी को इंस्टॉलेशन का प्रोसेस हम चालू करने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो, ये हमारी है बजाज बॉक्सर, जिसमें हमने इंस्टॉल किया था बजाज यूजी का डिस्क का आगे का सस्पेंशन सेटअप और डिस्क वाली रिम। तो इसमें एक प्रॉब्लम आ गई थी, इसका जो टी प्लेट है ऊपर का, उसके अंदर ना बोल्ट टूट गया, ये आप लोग देख लो। तो ये टी को रिप्लेस करना है, क्योंकि वो किसी भी तरह से निकल नहीं सकता, और निकलेगा तो ये हमारा टी है वो ख़राब हो जाएगा। इसके लिए मैंने डायरेक्ट नया टी लेके आया भंगाड़ में से। तो लास्ट वीडियो में हमने उसका स्विच जो है वो क्लीन किया था, क्योंकि उसका स्विच अच्छा है और इसके साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा। इसका भी 4 पिन है, उसका भी 4 पिन है। आप लोगों को दिखा देता हूँ, देखो ये है इसका, इसका ये 4 पिन और इसका ये 4 पिन है। तो डायरेक्टली इसका स्विच जो है इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, और उसके साथ हमें की भी मिली हुई थी। तो समझो हमारा ये की का सेटअप इसमें हो जाएगा, तो इसलिए मैं इस टी को लगा रहा हूँ। और ये टी जो है एकदम फ्रेश है, बस इसको क्लीन करना है और लगाना है। थोड़ा सा हालत इसकी डाउन है, मतलब गंदा हो रखा है, तो फटाफट से अभी इसको लगा लेते हैं पहले, बाद में इसको करेंगे क्लीन। जो मेन था हमारा स्विच, हमने उसको क्लीन कर लिया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरह से क्या लगा। तो टी रिप्लेस करने के लिए सबसे पहले अपने को सेम प्रोसेस है, जो ये अपने को चारों बोल्ट्स को रिमूव करना होगा, और ये एक मेन बोल्ट है, इसको रिमूव करके और हमारा टी डायरेक्ट जो आउट हो जाएगा। तो ये वाला टी सेम प्रोसेस में इंस्टॉल कर देना है। फटाफट से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, फिर आप लोगों को दिखा देता हूँ किस तरह से क्या करना है। तो अभी हमने बोल्ट कर लिया है रूस, तो फटाफट से हमने इसको कर देते हैं रिमूव। तो ये हम इसको निकाल दिए, इस वाले को भी निकाल दिए। तो हमारा हैंडल बाहर हो गया है, तो अभी एक मेन बोल्ट है इसको निकालना है, और यहाँ एक एलंकी है इसको खोलना है। इस साइड वाला तो टूट चुका है, तो डायरेक्ट उसका हैमर करिंग करके निकालना है। तो ये वाला बोल्ट भी निकल गया हमारा, अब सिर्फ बचा हुआ हमारा है एलन की। तो ये कुछ इसमें एलन की से निकाल लेते फटाफट से, इसमें ये वाली एलन की लगेगी। तो एलन की को मैंने कर लिया है लूज़, अब जस्ट इसको हल्का सा हैमरिंग करना है, हैमरिंग भी नहीं, हल्का सा टैपिंग करना है, तो फटाफट से बाहर आ जाएगा। एक दो, ये आ गया बाहर, तो इसको ये इस तरह से आ गया बाहर। तो ये हमारा टी है, इसके अंदर दिखा देता हूँ मैं, ये वो दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये अंदर एक बोल्ट टूटा हुआ है, इसकी वजह से टी को रिप्लेस करना पड़ रहा है। बाकी ये टी अच्छा ही है, देखता हूँ अगर उसका कुछ जुगाड़ बनेगा तो बाद में किया जाएगा। तो अभी जो है हमारा ये वाला टी है, इसको डायरेक्टली इंस्टॉल कर देना है। ये डायरेक्टली फिट है, सेम पल्सर का सेम टी है ये, तो इसके ऊपर रखना है अलाइन करके, और इसके अंदर सारे बोल्ट वगैरह रखे हुए, तो इसके अंदर से हल्की सी टैपिंग करना, ये अपनी पोजीशन ले लेगा। तो अभी फटाफट से मैं इसके बोल्ट वगैरह सबको टाइट करके, हैंडल वगैरह लगा के आप लोगों को दिखा देता हूँ किस तरह से फिट हुआ। तो अभी हमारा जो है वो टी प्लेट इंस्टॉल हो गया। इसमें फर्क डिफरेंस क्या है, इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है वो कुछ इस तरह का है, और जो दूसरे वाले का था वो सिर्फ ऐसा दो पार्ट में था, और ये पूरा सिंगल पीस में। तो ये और उस पुराने वाले टी में सिर्फ यही दोनों का डिफरेंस है। तो हमारा जो टी है वो फाइनली पूरी तरह से इंस्टॉल हो चुका है, इसमें अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम इसमें इंस्टॉल करेंगे इसका कैलिपर जो है डिस्क का। तो वीडियो कर देते हैं यहीं पे एंड। वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।